में चीनी और गंदम बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद दो रोज बाद ही हुकूमत एक्शन में आ गई। वफाकी काबीना में रद्दोबदल कर दिया गया है, कुछ अरकान वजारतों से फारिग जबकि मुतअद्दिद वज़रा की वजारतें तब्दील कर दी गई। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से जंग के दौरान चीनी और गंदम बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट ने हुकूमत को फौरी एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। वफाकी काबीना में उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी गई। वज़ीरे आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक मखदूम खुसरो बख्तियार को वफाकी फूड सिक्योरिटी की वजारत से हटा दिया है और इन्हें इक्तसादी अमूर का वफाकी वजीर बना दिया गया है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सैयद फखर इमाम अब कौमी फूड सिक्योरिटी की वजारत संभालेंगे। इसी तरह हमाद अजहर वजीर इक्तसादी अमूर की जगह वजीर सनत का कलमदान संभालेंगे। काबीना में रद्दोबदल के नतीजे में आजम सवाती की वजारत भी तब्दील हो गई है और अब वो पार्लिमानी अमूर की वजारत की बजाय वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल होंगे। वजीर आजम के मुशीर बरा एस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब को अहदे से हटा दिया गया है जबकि बाबर ऐवान को मुशीर पार्लिमानी अमूर मुकर्रर किया गया है। जबकि एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के इस्तीफ़ा का मसला भी हल हो गया, उनका वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। खबरों सियासी या मुल्क के बहरान की या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।